बस न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा सा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। औरंगाबाद मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनवा गांव में गुरुवार की सुबह टूट कर गिरे बिजली की तार के चपेट में आकर उत्तरी उमगा ग्राम कचहरी के सरपंच आलोक कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि आलोक टेंट पंडाल चलाने का काम करता था। गुरुवार की सुबह वह घर से अपने गोदाम पर जा रहा था, इसी दौरान उसके ऊपर बिजली का तार टूट कर गिर गया, जिसमें प्रभावित हो रही बिजली का करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि परिजनों ने उसे जिंदा समझकर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा चुनाव में रफीगंज से प्रत्याशी रहे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रमोद सिंह सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुआवजा दिलाने की पहल की। वहीं परिजनों ने सदर अस्पताल के गेट के सामने पुरानी जीटी रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही औरंगाबाद नगर थाना की पुलिस और विद्युत विभाग की कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार मौके पर पहुंचे। कार्यपालक अभियंता व पुलिस ने परिजनों को जाम हटाने का आग्रह किया। इस बीच प्रमोद सिंह मौके पर पहुंचे और कार्यपालक अभियंता से सीधे तौर पर कहा कि हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही दोषी है। उन्होंने कहा कि बिजली का तार जब कमजोर था तो विभाग ने उसे समय रहते क्यों नहीं बदला। यदि जर्जर तार को बदल दिया गया होता तो यहां हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि विभाग मृतक के परिजनों को मुआवजा दे, अन्यथा वो आंदोलन करेंगे। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने 15 दिनों के अंदर मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। इसके बाद प्रमोद सिंह ने परिजनों से बात कर जाम हटवाया और कहा कि यदि समय पर मुआवजा नहीं मिला तो वो आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। जा रहे बराबर लोग बता रहे हैं कि जर्जर तार टूट कर गिरने से लोगों की मौत हो रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है। हाँ, मुआवजे के लिए जो निधि संबंध कार्रवाई कर रहा है उसमें पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा, थाना के एफआईआर कॉपी आएगी और एक जांच प्रतिवेदन हमारे स्तर से पदाधिकारी नियुक्त रूप से एक जांच करेंगे कि घटना का मूल कारण क्या है। मूल कारण पता चलते ही 10-15 दिन के अंदर अगर सही में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण होगा तो 4 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है, जिसको संशोधित किया जाए। और जर्जर तार की लोग बात कर रहे हैं, जर्जर तार जैसे पहले प्रथम स्कीम जो रिकंडक्टिंग की स्कीम थी वो लगभग जिला में 1 से 1.5 हज़ार किलोमीटर तार बदल दिया गया है। अब रिवैम्प स्कीम आ रही है, रिवैम्प स्कीम 3 महीना के अंदर लॉन्च होगी, उसके स्तर पर टोटल ओवरहेड को मैक्सिमम को कवर कर रहा है। 11 हज़ार भी पहले नहीं हुआ था, प्रावधान नहीं था, अब बहुत सारा प्रावधान आ रहा है कि कवर तार रहेगा कम्पोर्टेड, पहले था पंच का था, अब कवर का होने वाला है, तो उसमें इस तरह की घटना बहुत कम है। पुर में एक सरपंच के बिजली से मौत हो गया है, क्या है? ये बहुत दुखद घटना है, ये बिजली विभाग की लापरवाही का ये फल है कि आज एक नौजुवक सरपंच उत्तरी उमगा पंचायत का आलोक कुमार का मृत्यु हो गया। और सिर्फ वहीं नहीं, पूरे जिला में ऐसा 11 हज़ार तार या जो भी इनका तार है उसका इतना जर्जर हालत है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जब से बरसात लगा है और पूरी तरह से इस साल बरसात भी नहीं हुआ, उसमें करीब करीब 50 से ज़्यादा मौतें हो गई और 11 हज़ार तार के गिरने से इनकी मौत हुई है। अब ये परिवार के सदस्य में एक लौता कमा करके पूरा परिवार चला रहे थे, आज ये घर उजड़ गया। बिजली विभाग के पदाधिकारियों को पहले भी मैं बहुत बार फ़ोन करते रहा लेकिन उनको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न उन पर कोई सुनवाई है न वो फ़ोन उठाते हैं। आज का भी घटना है कि SDO से एक बार बात होने के बाद फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया, जो मदनपुर औद्योग का SDO है, वहाँ का JE का कोई मतलब नहीं है। स्कूटी का मोबाइल बंद था, अभी स्कूटी साहब आए जब हम लोग रोड पर थे तो, और अभी ये 15 दिन का आश्वासन दिए हैं और इसमें इनको जो मुआवजा है वो दिलवाएंगे हम लोग और लेंगे सरकार से जो सरकार से मिलता है। और ये बहुत दुखद घटना है, इस घटना का मैं जितना निंदा करूँ उतना कम है, कारण कि ये परिवार का को कमा करके खिलाने वाला परिवार चलाने वाला व्यक्ति था। इसके बाद साथ साथ ये पूरे पंचायत उत्तरी उमगा उतना बड़ा पंचायत है उसका सरपंच था अभी वर्तमान और जुआ था और इसके पीछे और घर में कोई बचा नहीं है, इसलिए हम लोग की तो सहानुभूति है ही और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ करके इनको मुआवजा दिलाने का काम करें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।